देखिए, हमने देवी देवताओं को तो नहीं देखा, लेकिन उन शहीदों को हमने बॉर्डर पे लड़ाई करते हुए, अपनी जान की बाजी लगाते हुए, आज जो हम खुली हवा ले रहे हैं, जो खुली सांसें ले रहे हैं सजनों, उन वीरों की बदौलत है कि आज हम आराम से बैठ के जागरण सुने। एक बार फिर से भारत देश के नाम से और उन शहीदों के नाम से जोरदार ताली बजाएंगे। बोल भारत माता की। आइए याद करते हैं उन वीरों को। इंडिया गेट के ऊपर पूरा भारतवर्ष आज उस पाकिस्तान के नारे लगा रहे सजनों कि पाकिस्तान को एक दिन मिटाना है और खत्म करना है। ऐसा जज्बा हर भारतीय देश में, हर भारतीय नागरिक में भी होना जरूरी बताया। और भारत माँ के शहीद लाडले, उनको भी करी याद लियो। पाकिस्तान को मिटाना है, अब अपने दिल में ठान लियो। और भारत माँ के शहीद लाडले, यरा उनको भी करी याद लियो। यरा पाकिस्तान को मिटाना है, अब रह अपने दिल में ठान लियो। भारत माँ के वीर लाडले, उनको भी कर याद लियो। और पाकिस्तान को मिटाना है, अपने दिल में ठान लियो। वीर लाडले, शहीदों ने अपनी कुर्बानी दे के आज पूरे भारतवर्ष में अपनी छाप जो छोड़ के गए, ऐसे वीर होने जरूरी हमारे भारत देश में। ये 44 शहीद हुए बॉर्डर पे, उनका क्या कसूर था। ये भारत माँ की लाज बचाने ये जाना भी जरूरी था। और भारत माँ की लाज बचाने का वो बच्चा, सजनों 3 दिन पहले मैंने एक टीवी के अंदर देखी कि मात्र 18 वर्ष का युवा और उस फौज में उसी गाड़ी में शहीद हो गया था। उसने अभी तक तो आंखें भी नहीं खोली थी कि संसार में न जाने क्या क्या हमें देखना, और उसने अपने देश के लिए बलिदान कर दिया। क्या बात, ऐसे ऐसे हमारे देश में युवा हुए हैं। 18 वर्ष का वो बच्चा, यार सुंदर उनमें नूर था। और माँ की गोद में सो गया वो, ये रकम उसका दूर था। ये माँ की गोद में सो गया वो, ये रकम उसका दूर था। उसी माँ की आत्मा रे रोन लगी, माँ की आत्मा रोन लगी। जब उसकी माँ ने अपने बेटे की लाश उस कफन में तिरंगे में लिपटी हुई देखी सजनों, उस माँ के दिल में क्या बीती होगी। क्या बात, उस माँ की आत्मा और रोने लगी, उसका भी कर ख्याल लियो। यार पाकिस्तान मिटाना दिल में कर ख्याल लियो।
उसकी जो पत्नी जो शहीद हुए है उनका भी हाल सुनो, बहुत बुरा है इस दुनिया में। उस पत्नी का हाल सुनाऊं, उस पत्नी का हाल सुनाऊं, जिस हाथा के माँ रंग था लाल, उस माँ का कलेजा फट गया जिसने ये छोटे छोटे जन्मे लाल। माँ का कलेजा फट गया जिसने वो छोटे छोटे रंग के लाल। अभी तक तो उसकी हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी सजनों, उस बीवी का क्या हाल हुआ होगा? ये सब के सब आज उस परिवार में जाके पूछो कितना बड़ा दुख मना रहे हैं वो इस भारत देश के लिए, बताया। और एक उसकी बूढ़ी माँ और बूढ़े बाप के बारे में, फिर बूढ़े बाप का कौन रुखाड़ा, जिसकी उम्र हो 70 साल, वह भाण बेचारी रोवती रहगी रो रो करती अपना काल। भाण बेचारी रोवती होगी रो रो करती गए लाल पाल और बाल भगत सिंह। लाल पाल और बाल भगत हर हर दम उनका नाम लियो यार, पाकिस्तान मिटा अपने दिल में ठान लियो। और पाकिस्तान मिटाना अपने दिल में ठान लियो। लेकिन उन शहीदों को कौन जाने, उनका दुख दर्द कौन जाने। हम आज सर्दी के अंदर कंबल ओढ़ के बैठे हैं, रजाई में सो जाते हैं, लेकिन इस कश्मीर के अंदर इतनी बर्फबारी सजनों, मैंने सुना कि उन फौजियों को जगाना पड़ता, अगर 5-10 मिनट के अंदर को नहीं जगाया गया तो इतनी सर्दी की वही खत्म हो जाती, इतनी सर्दी वो झेल के बॉर्डर पे ड्यूटी करते हैं। सुनो कैसा हाल होगा उनका। मंदिर मस्जिद पूज के दुनिया यो कृष्ण से काला, कश्मीर में बर्फ पड़े सोवे रे उनका कौन रुखाला। कश्मीर में बर्फ पड़े सोवे रे उनका कौन रुखाला। और दिल में भाइयो ठान लियो ना रखो दिल में काला, दिल में भाइयो ठान लियो ना रखो दिल में काला, पाकिस्तानी मिटाना सबका है यो राम रुखाड़ा। और पाकिस्तान सौ रुपए से हमारे आदरणीय अंकल जी इस रागनी पे खुश होकर दे रहे हैं। सजनों ऐसे कितने वीर जवान हैं जो कि जोश के साथ में हाथ उठा के कह दें कि हम पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। कितने वीर हैं हमारे सामने, सच्चे दिल से हाथ उठाओ भारत देश के लिए, जब भी मैं मर मिटने के लिए तैयार हूँ भारत देश के। देखिए उन फौजियों में कोई ऐसी थोड़ी, उनकी कोई पट्टे थोड़ी की, वही है ड्यूटी। ड्यूटी हर प्रकार से की जाती है, हमारे समाज की ड्यूटी, हमारे परिवार की ड्यूटी, माँ बहनों की ड्यूटी, कई प्रकार की सेवाएं होते हैं। ऐसे ही पूरे दिल और लगन के साथ में उन जितने भी शहीद हुए हैं सजनों, उनके नाम की मैं चाहूंगा पर ताली बजा के दोनों हाथों से उनका मान सम्मान करेंगे। ताली बजा के सोचेंगे कि ऐसे हर घर में पैदा हो, ऐसी संतान हर घर में पैदा हो। कैसे हेरा पाकिस्तान को मिटाने सबका सबका राम रुखाड़ा। राजेश डुलानिया देश के खातिर, राजेश डुलानिया देश के खातिर बाकी बाण नाम लियो यार पाकिस्तान ठान लियो। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, वो तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो बोल भारत माता की जय हो।